2021 में रीट परीक्षा को, रीट परीक्षा को लेकर जो बड़ी धांधली का की एक साजिश थी, उस साजिश के तार खोलने के लिए साइक्लोन जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चला रखा है। उसकी तीसरी कड़ी के रूप में आज एक बड़ी आरोपी किरण पत्नी झुंझाराम निवासी बाड़मेर को कल शाम में साइक्लोन टीम ने बड़े नाटकीय अंदाज में काफ़ी बड़ी लुका छिपी के बाद गिरफ्तार करने में, खेड़ापा जोधपुर के खेड़ापा इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। किरण की कहानी अगर देखी जाए तो यह कहानी न माया मिली न राम, ऊपर से हो गए बदनाम को चरितार्थ करते हुए इसने फर्जी तरीके से परीक्षार्थी बनकर बनवाकर परीक्षा में सफलता पाने की कोशिश की, न परीक्षा में सफलता मिली, घर छूटा, नौकरी छूटी, मोबाइल छूटा, पति का भी साथ छूटा, पुरुष मित्र के साथ रही और अब पुरुष मित्र का भी साथ छूटा, शेष जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटनी है। हर अपराध करने वाले का यही अंजाम होता है। यह लगातार पिछले 3 साल से गायब रही, 25,000 रुपये का इनाम घोषित था इसकी गिरफ्तारी पर, 3 साल से भागती रही, कभी बाड़मेर, कभी बालोतरा, कभी जोधपुर के अलग अलग इलाकों में, कभी सीकर, कभी जयपुर, हर तरीके से भागती रही पर साइक्लोन टीम इसका लगातार पीछा करती रही। बहुत शातिर और चतुर रही इसने, ना कभी मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल लगातार बदल बदल कर इस्तेमाल करती रही, ठिकाने बदलती रही, पर साइक्लोन टीम के शातिर सतर्क निगाहों से यह न बच सकी। कल फतेहपुर इलाके से भागते हुए भागकर खेड़ापा इलाके में अपने बॉयफ्रेंड के ठिकानों पर कहीं सुरक्षित आशियाना तलाश करने की कोशिश में यह टीम के हत्थे चढ़ी है। जिस गाड़ी से यह लोग आ रहे थे वह गाड़ी राजस्थान की थी। साइक्लोन टीम को पुलिस को गच्चा देने के लिए इन लोगों ने उस पर दिल्ली का नंबर प्लेट लगा रखा था और जो फास्टैग कार्ड था वो गुजरात की गाड़ी के नंबर का था। उस पर अलग से मुकदमा दर्ज करके इसके पुरुष मित्र को भी पकड़ा गया है, केड़ापा थाने में अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। और यह एक बहुत ही दुखद कहानी है जिसका पटाक्षेप हुआ। महत्वाकांक्षा के तहत परिश्रम और मेधा से न पाकर गलत तरीके से कुछ पाने की कोशिश में 3 सालों से भटकती रही और अंत में पुलिस के हत्थे चढ़ी। मैं इस तरह के सभी अपराधियों से, सभी आरोपियों से, सभी भगड़ों से, सभी वांछितों से अपील करता हूँ कि हर दिन घबराकर कच्ची नींद से जागोगे, हर दिन घबराकर कच्ची नींद से जागोगे, राजस्थान पुलिस से बचकर तुम कब तक भागोगे। इसलिए अपने गलती का एहसास करिए, गलती का पछतावा करिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, अपने को कानून की गिरफ्त में लाइए, अपने किए की सजा भुगतिए और फिर समाज की मुख्यधारा में आइए। अन्यथा कोई उपाय नहीं है, जेल की सलाखें ही आपका अंतिम मंजिल, अपना अंतिम मुकाम होगी। और साथ ही मैं युवा वर्ग को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अपनी प्रतिभा, अपने परिश्रम और अपनी संकल्प शक्ति के दम पर यह व्यवस्था आपके साथ खड़ी है। आप जो भी मुकाम, जो भी मंजिल जीवन में हासिल करना चाहेंगे वो सिर्फ परिश्रम और प्रतिभा से ही हासिल कर सकता है। उसके रास्ते में जो भी आएगा, उसके फंड निकलने के लिए, उसको निस्थापित करने के लिए राजस्थान पुलिस कटिबद्ध है। हमेशा व्यवस्था सबसे ऊपर रहेगी, कानून का राज सबसे ऊपर रहेगा। जो भी व्यक्ति कोशिश करेगा कि इस तरीके से, गलत तरीके से कुछ पाया जाए, गलत तरीके से व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए, वो अपने मुकाम तक जरूर पहुँचेगा। अंत में मैं एक बार फिर जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम को उनकी शानदार सफलता और शानदार सफलता की कड़ियों के लिए, लगातार लड़ी लगाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और शुक्रिया।